गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे विल कंटिन्यू अवर चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। टुडे विल डिस्कस व्हाट इज सॉल्ट। वी नो दैट एसिड प्रोड्यूसेस एच पॉजिटिव आयन्स एंड अल्कलीज प्रोड्यूसेस ओएच नेगेटिव आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, these H positive and OH negative ions together give water molecule along with the production of salt। हमने एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अल्कलीज की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, और हमें यह भी पता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है तब वाटर आयनाइज होता है, डिसोसिएट होता है H positive और OH negative ion में। एसिड की प्रॉपर्टीज़ में हमने देखा था या बेस की प्रॉपर्टीज़ कि एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बेस एंड एसिड रिएक्ट विद ईच अदर फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड इन विच वन पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द सेकंड पार्ट इज नेगेटिवली चार्ज। तो सॉल्ट हमें कैसे मिलता है ये हम पढ़े थे, वो रिएक्शन था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट ना। एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो सॉल्ट आपको मिल रहा है ये कैसा है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड है मतलब ये आयन से बना हुआ है। आयन्स क्या होते हैं, आयन्स को हम बोलते हैं चार्ज पार्टिकल। उसमें दो चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, कभी कभी न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं। नाउ सी, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दे कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट। द नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव आयन एंड एज अ रिजल्ट सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, इसलिए सॉल्ट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसे -14 +14 आपको क्या मिल रहा है, न्यूट्रल, जीरो। सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मेनी मेथड। फर्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेज ऑफ प्रिपेयरिंग सॉल्ट। सॉल्ट को जनरली प्रिपेयर किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, जो कि एक मोस्ट पॉपुलर, बहुत जानी मानी मेथड है। नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस KOH इन एक्वियस, बोथ आर इन एक्वियस सोल्यूशन। इसको वाटर में डिसॉल्व किया, नाइट्रिक एसिड को उसका एक्वस सोल्यूशन बनाया है, एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन। जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा, सी हियर H रिप्रेजेंट दैट एसिड एंड OH रिप्रेजेंट इन बेस। तो ये आपका एसिड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, एसिड और बेस का रिएक्शन होके हमें मिल रहा है पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि एक सॉल्ट है, और मिल रहा है वाटर। नाउ सी, दिस H हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड NO3 हैविंग नेगेटिव चार्ज, देन अगेन दिस K हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड OH हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो आपका जो ये पोटेशियम नाइट्रेट बना है ये कैसे बना है, के पॉजिटिव इज द बेसिक रेडिकल, यहाँ से आया, ये आपका बेस था तो के पॉजिटिव आपका एक बेसिक रेडिकल है, और NO3 नेगेटिव इज योर एसिडिक रेडिकल। तो आपको एक बेस और एक एसिड रेडिकल मिला के मिल रहा है सॉल्ट, और HOH कंबाइन होके डेफिनेटली फॉर्म कर रहे हैं वाटर। तो एसिड और बेस का रिएक्शन कैसे होता है ये समझ में आया स्टूडेंट्स। यहाँ पे NO3 इज नेगेटिव एंड K इज पॉजिटिव, दिस K पॉजिटिव कंबाइन विद NO3 गिव्स KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये आपका सॉल्ट है। तो इस तरह से एसिड का नेगेटिव रेडिकल और बेस का पॉजिटिव रेडिकल, जैसे यहाँ पे बात करते हैं SO4 हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड Cu हैविंग डाइपॉजिटिव +2, तो यहाँ पे ये कॉपर और SO4 कंबाइन होके आपको मिल रहा है CuSO4। तो यहाँ Cu कहाँ से आया है, बेस से, हाइड्रोक्साइड बेस, एंड SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ क्लियरली एसिड लिखा है, तो SO4 रेडिकल जो एसिडिक रेडिकल है वो कहाँ से आया है, एसिड से। तो इस तरह से एक एसिडिक रेडिकल एंड एक बेसिक रेडिकल कंबाइन होके हमें मिलता है सॉल्ट, कॉपर सल्फेट।
इसी तरह से एसिटिक एसिड देन CH3COH इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH। जहाँ OH दिख रहा है वो सारे बेस है और जहाँ H पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं वो सारे क्या है आपके एसिड। तो इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो सॉल्ट आप लोग रेगुलर यूज करते हो खाने में, ये कैसे फॉर्म होता है? तो एसिड और अल्कली, अल्कली यू नो वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्कलीज, या एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं बेस का तो उसको हम बोलते हैं अल्कलीज। तो एसिड और अल्कली का रिएक्शन होके हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, सॉल्ट। अब सॉल्ट फॉर्मेशन होता कैसे है, यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH इज योर स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl इज योर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब कंबाइन होते हैं तब आपको क्या मिल रहा है, NaCl, जो कि आपका कॉमन सॉल्ट। और ये कैसा है, न्यूट्रल है। NaOH plus HCl gives us NaCl plus H2O, फिर NaOH plus H2CO, HC2H3O2, ये आपका वीक एसिड है, मिनरल एसिड। वीक एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो फॉर्म हो रहा है आपका सॉल्ट वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट NaC2H3O2। यहाँ पे H OH आयन्स है, ये बेस है, यहाँ H आयन्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं, तो H और OH कंबाइन होके H2O मिला और बच्चा पूरा कंबाइन होके, यानी ये Na क्या है, पॉजिटिव है, तो बेसिक रेडिकल, और ये आपका C2H3O2 ये जो है आपका एसिडिक रेडिकल, दोनों कंबाइन होके आपको मिल रहा है NaC2H3O2। तो ये आपका एक सॉल्ट हो गया, क्लियर। अब आपका ये सॉल्ट जो फॉर्म होता है वो तो हमें पता चला कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, सॉल्ट के टाइप होते हैं एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट हम कब बोलेंगे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट होगा वीक बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस, तो यहाँ पे आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट। और आपका स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, जो कि NaCl हमें मिला। NaOH plus HCl, यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे जो हमें सॉल्ट मिला NaCl, जो हम नमक खाते हैं, वो कैसा है, न्यूट्रल है। और यहाँ पे देखो ये NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपका मिनरल एसिड वीक एसिड है, तो इससे हमें जो एसिड सॉल्ट मिल रहा है वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट। यहाँ पे आपका एसिड वीक है और बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए सॉल्ट आपको मिल रहा है बेसिक। यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, इसलिए आपको सॉल्ट मिल रहा है एसिडिक। तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं सॉल्ट को 3 टाइप में, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। अब यदि दोनों वीक है, एसिड और बेस दोनों भी वीक है, तो सॉल्ट आपको न्यूट्रल मिलेगा। एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट जो फॉर्म होगा वो न्यूट्रल होगा। तो दो कंडीशन में हमें न्यूट्रल सॉल्ट मिलते हैं, जब एसिड और बेस बोथ आर स्ट्रॉन्ग और बोथ आर न्यूट्रल। अब एसिड यदि स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट एसिडिक होगा, बेस यदि स्ट्रॉन्ग है तो आपका सॉल्ट बेसिक होगा, क्लियर। अब एसिडिक सॉल्ट NH4Cl, सी हियर NH4Cl इज वीक बेस कंपेयर टू HCl, मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो आपका जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये वीक बेस है और HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए आपको सॉल्ट कौन सा मिला, एसिडिक सॉल्ट NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। नाउ न्यूट्रल सॉल्ट NaCl, जो नमक हम खाते हैं, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग है दोनों भी एसिड और बेस, इसलिए सॉल्ट आपको मिला है NaCl, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है।
और बेसिक सॉल्ट में हमने लिया है Na पॉजिटिव फ्रॉम NaOH एंड CH3COOH। सी दिस CH3COOH एसिटिक एसिड जो कि विनेगर में प्रेजेंट होता है, सिरका जो आपके घर में यूज होता है, तो वो एक वीक एसिड है। जो भी आपको फ्रूट्स में मिलते हैं एसिड्स बेटा, वो जनरली सारे वीक एसिड्स होते हैं। और जो मिनरल्स से मिलते हैं एसिड्स, वो सारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, HCl है, H2SO4 है। तो ये एसिड्स कैसे होते हैं, नाइट्रिक एसिड है, ये सारे एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं। बेस की बात करते हैं तो यहाँ पे NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड जो है वीक एसिड है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन होगा वीक एसिड से, तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, बेसिक सॉल्ट। क्लियर। अब बात होती है कि जितने भी सॉल्ट फॉर्म होते हैं क्या सारे न्यूट्रल होंगे, नहीं। अब हमने पढ़ा कि वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिडिक सॉल्ट मिल रहा है, तो सारे के सारे सॉल्ट न्यूट्रल कैसे होंगे। वी फाउंड pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट एज कॉमन सॉल्ट अमोनियम एसीटेट बेकिंग सोडा कॉपर सल्फेट, तो इनका pH वैल्यू क्या 7 आएगा। इफ ऑल सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, देन व्हाई डू दे डिफरेंट सॉल्ट्स हैव डिफरेंट pH वैल्यूज। सी वी विल नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल इन ईच सॉल्ट। अब सारे के सारे न्यूट्रल सॉल्ट नहीं होंगे जबकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से फॉर्म हो रहे हैं, उनका pH डिफरेंट है, ऐसे क्यों है। तो हमें पहले पता करना होगा कि वहाँ पे जो एसिडिक और बेसिक रेडिकल है वो कैसा है। इन कॉमन सॉल्ट बेसिक रेडिकल इज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिडिक रेडिकल Cl नेगेटिव इज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिडिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी हमने देखा कि Na पॉजिटिव जो है NaOH से आ रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इससे वो जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल इन नेचर। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं CuSO4। आपको एक सॉल्ट का फॉर्मूला दिया है कॉपर सल्फेट CuSO4 और आपको पूछा है फॉर्मूला सोर्स इज ऑल्सो गिवन, कौन से दो एसिड और बेस से ये तैयार हुआ है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड है, एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड ये आपका वीक बेस है। तो यहाँ पे ये OH आयन दिख रहा है मतलब ये आपका बेस है, और यहाँ पे एच आयन दिख रहा है मतलब ये आपका एसिड है। अब यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड इज़ वीक बेस एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो जो स्ट्रॉन्ग है वही नेचर होगा साल्ट का, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए एसिडिक नेचर हो गया। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की जो आपके घर में यूज़ होता है NaHCO3, इसमें आपको जो NaOH मिल रहा है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और उसमें जो H2CO3 कार्बोनिक एसिड यूज़ हो रहा है वो कैसा है, वीक एसिड है। अब यह दोनों में से स्ट्रॉन्ग आपका बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसका नेचर क्या हो गया, बेसिक। अब CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट, तो यहाँ पे आपका जो बेस आ रहा है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है आपका वीक बेस है, और यहाँ एसिटिक एसिड जो है वो भी वीक है, तो दोनों वीक है, तब आपको जो नेचर ऑफ सॉल्ट आ रहा है वो कैसा है, न्यूट्रल है। NH4Cl, अब NH4Cl की हमने अभी बात की थी, NH4Cl देखो आप, NH4Cl जो है वो कैसे मिला है, NH4 हमें मिला है NH4OH से जो कि एक वीक बेस है, और Cl नेगेटिव आयन मिला है HCl से जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका नेचर कैसा होगा, डेफिनेटली एसिडिक। तो ये आपका यहाँ पे आएगा एसिडिक नेचर, ये NH4OH यहाँ पे वीक लिखोगे, यहाँ HCl यहाँ पे क्या लिखोगे, CH3 क्या लिखना है, CH3CHCl NH4Cl व्हाट इज गिवन हियर, NH4Cl ना, यस NH4Cl, तो ये HCl ए स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका नेचर होगा एसिडिक। यहाँ पे लिखोगे NH4OH वीक, HCl स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे लिखोगे एसिडिक।
देन यहाँ पे दिया है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट में आपको KOH दिया है स्ट्रॉन्ग, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। अब जब दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तब आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रल साल्ट। जैसे हमने अभी देखा है अमोनियम NaCl का, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH और HCl बोथ आर स्ट्रॉन्ग। तो हमें जो साल्ट मिला है वो कैसा है, न्यूट्रल साल्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका न्यूट्रल साल्ट, हियर एसिडिक हियर न्यूट्रल। कंप्लीट द टेबल। वी फाइंड दैट द नेचर ऑफ साल्ट फॉर्म बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड इज बेसिक। इट इज क्लियरली मेंशन हियर, सी nature of salt between strong base and weak acid is basic, and that formed by the reaction between strong acid and weak base is acidic. तो strong acid और weak base है तो acidic होगा, strong base है आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो ये बेसिक होगा। तो इस तरह से हमें तीन टाइप के सॉल्ट मिले, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कब मिलता है, वीक एसिड एंड वीक बेस ये क्या फॉर्म करेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आल्सो फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट। क्लियर, आई थिंक द सॉल्ट point is clear to you, what is salt and how is it formed. Only one method is given, that is neutralization reaction, and types of salt we have studied. Our next topic is acid rain. Acid rain kya hota hai? Usually the pH of rain water is 7. Jo pH water ya rain water hota hai uska pH 7 hota hai. But when different gases present in the atmosphere dissolve in it, the pH of rain water become less than 7. बट एटमोस्फेरिक गैसेज जब उसमें डिसॉल्व होते हैं तब उसका पीएच जो है वो चेंज हो जाता है, 7 से कम हो जाता है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब पीएच का वैल्यू लेस देन 5.6 हो जाता है तब हम उसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एसिड रेन। कितना हो गया पीएच, लेस देन 5.6, तो वो रेन होगा एसिड रेन। अब एसिड रेन कैसे फॉर्म होता है, एसिड रेन जो आपके बुक में टॉपिक दिया है ये फॉर्म कैसे होता है इसको अब हम पढ़ते हैं। इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर। जो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 होता है वो वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है टू क्रिएट सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जिससे फॉर्म होता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। अब ये जो SO2 और NO2 आ रहा है, जो फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज की चिमनी से देखो यहाँ पे स्मोक निकल रहा है, और ये जो फैक्ट्रीज की चिमनी से स्मोक निकल रहा है उसमें होता है SO2 और NO2। ये क्या करते हैं, मिक्स होते हैं हवा के साथ, और ये वेट डिकम्पोजिशन दैट इज स्नो या फिर रेन। तो यहाँ पे हवा में जो वाटर वेपर है वो क्या होता है, वाटर वेपर के साथ ये कंबाइन होता है और फॉर्म करता है H2SO4 एंड HNO3, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो हवा में से जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि मेनली आपके इंडस्ट्रियल जो चिमनीज है उनमें से निकलने वाला जो गैस है SO2 और NO2, ये रिएक्ट करता है वाटर वेपर के साथ और फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नाउ नॉर्मल रेन वाटर इज ऑलवेज स्लाइटली एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। हमें पता है कि हम एक्सहेल करते हैं तो CO2 एक्सहेल करते हैं, राइट ना, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो जो भी रेन वाटर आता है या एक नॉर्मल रेन आ रहा है तो उसमें भी CO2 का कंटेंट या CO2 का परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा एसिडिक वाटर वो रहता है।
कार्बोनिक एसिड, क्योंकि उसमें क्या होता है, CO2 कंबाइन होता है वाटर वेपर के साथ और फॉर्म करता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है, बट थोड़ा सा उसकी वजह से आपका रेंज जो है वो एसिडिक हो जाता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि नॉर्मल एसिडिटी ऑफ रेन वाटर इज 5.6। बिकॉज ऑफ SO2 एंड NO2 गैसेज एज अ पोल्यूटेंट इन द एटमोस्फियर, द pH ऑफ द रेन इज फर्दर लोअर टू 2.4 एंड दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड एज एसिड रेन। अब ये SO2 और NO2 जो हमने अभी देखा कि ये क्या होते हैं, वाटर वेपर के साथ कंबाइन होकर H2SO4 और HNO3 जैसे एसिड फॉर्म करते हैं, और जिसकी वजह से एसिड का रेन का जो pH है वो 2.4 तक जाता है, और इसीलिए हम उस पानी को फिर क्या बोलेंगे, एसिड रेन, की उसमें एसिड वो पानी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। एसिड रेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO4 HNO3 एंड HCl इज थर्ड। तो जनरली एसिड रेन जहाँ पे भी होता है तो वहाँ पे उस पानी में जो एसिड मिलते हैं वो होते हैं H2SO4 HNO3 एंड HCl। अब ये फॉर्म कैसे होते हैं, सी सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, जो आपका फ्यूम निकलता है फैक्ट्री से उसमें सल्फर यदि है तो वो सल्फर हवा में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होकर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस फिर ऊपर जाके वाटर वेपर के साथ कंबाइन होकर फॉर्म करता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। SO2 प्लस H2O प्लस H2O गिव्स अस H2SO4। इसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड यदि हवा में है तो वो कंबाइन होगा O3 के साथ। O3 क्या है, अब ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हम पढ़े थे, ओजोन पढ़े थे, तो नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइन विद ऑक्सीजन फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस O2। नाउ दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 कंबाइन विद अगेन O3 टू फॉर्म NO3 एंड दिस NO3 कंबाइन विद NO2 जो कि पहले फॉर्म हुआ NO2 है और ये NO3 है, दोनों आपस में कंबाइन होकर फॉर्म करते N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एंड दिस नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कंबाइन विद वाटर वेपर। और जब ये वाटर वेपर के साथ कंबाइन होता है तब आपको क्या दिखता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड पानी में दिखता है। क्लियर? तो इस तरह से CO2 प्लस H2O कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है, वो रेन में आता है, इसलिए हम बोलते हैं कि pH जो है रेन वाटर का 5.6 होता है, लेस देन 7 ही होता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी H2CO3 प्रेजेंट होता है। उसके अलावा सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कंबाइन विथ वाटर वेपर फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस तरह से ये आपका एसिड जो होता है वो पानी में क्या होता है, मिक्स हो जाता है, और उसकी वजह से जो रेन या प्रेसिपिटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। नाउ वॉट आर द कॉजेज ऑफ एसिड रेन, ये एसिड रेन क्यों होता है? तो पहले इसके नेचुरल कॉजेज की बात करते हैं, तो वोल्केनिक इमेशन, बायोलॉजिकल प्रोसेस और लाइटनिंग, जो लाइटनिंग यानि बिजली कड़कती है, या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है, अचानक से वोल्केनिक इमेशन होता है, लावा ऊपर आता है तो उसमें से जो फ्यूम आती है उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं और वो कंबाइन होकर फिर क्या होता है, एसिड रेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड है एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, जैसे फैक्ट्री से निकलने वाले स्मोक जो हमने अभी देखा नाइट्रोजन और सल्फर का, देन मोटर व्हीकल से निकलने वाला ऑटोमोबाइल एग्जॉस, इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, देन कोल बेस्ड पावर प्लांट, ऐसे पावर प्लांट जहाँ पे कोल एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, एंड डोमेस्टिक फायर्स घर में लगने वाली आग, और स्मेल्टर्स जो स्मेल्टर यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में। तो ये सारी वजह से जो वेपर्स हवा में कंबाइन होती है उसकी वजह से एसिड रेन हो सकता है। दीज आर द कॉजेस ऑफ एसिड रेन। क्लियर? नाउ व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन?
एसिड रेन यदि होता है तो उसके एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? पहले तो प्लांट पे बात करते हैं, इफेक्ट प्लांट एंड ट्रीज, प्लांट और ट्रीज जो एकदम ग्रीन कलर का है, एसिड रेन की वजह से पूरा येल्लो हो गया, लीफ टिश्यू कॉजेस येल्लोइंग ऑफ लीफ टिश्यू। तो जितने भी लीफ दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, वो कैसे हो गए? ड्यू टू एसिड रेन येल्लो कलर के हो गए, जिसको हम क्लोरोसिस बोलते हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन हेल्थ पे एसिड रेन का क्या इफेक्ट होता है? एरोसोल मिस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ वेरी सीरियस रेस्पिरेटरी इफेक्ट। पानी से साथ सल्फ्यूरिक एसिड यदि आ जाता है तो क्या होता है, हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, श्वसन नली का जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर उसका बहुत बुरा असर होता है। एसिडिफिकेशन प्ले हैवॉक विथ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये डैमेज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम सबके ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट हमारी बॉडी पे हो जाता है। इसके अलावा बिल्डिंग्स पे एसिड रेन का क्या असर होता है? कॉजेस एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ मार्बल लाइमस्टोन स्लेट। तो मार्बल ये लाइमस्टोन या स्लेट, इनका केमिकल कंपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके ऊपर यदि एसिड गिरता है H2SO4, तो ये कैल्शियम सल्फेट फॉर्म होता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने देखा होगा कि ताजमहल जो है, ताजमहल का जो वाइट कलर का मार्बल था वो उसमें ईचिंग हो गए, उसमें गड्ढे आ गए और उसका कलर जो है पेल येल्लो हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे जो मथुरा रिफाइनरी है, पहले हम इसकी बात करते हैं। इन ग्रीस एंड इटली इनवेल्युएबल स्टोन स्टैचूज हैव बीन पार्शियली डिजॉल्व बाय एसिड रेन। इटली में ऐसे एसिड रेन होने की वजह से जो स्टैचूज थे पुराने, वो क्या हो गए, थोड़े थोड़े डिजॉल्व हो गए, मतलब वो गल गए। ताजमहल इन आगरा इज ऑल्सो सफरिंग ड्यू टू एसिड फ्यूम्स फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी। तो ये जो ताजमहल है, हमारा सेवंथ वंडर है हमारे देश का, जो क्या बोल सकते हैं, एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है। तो ये ताजमहल जो है गेटिंग डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ इमिशन ऑफ मथुरा ऑयल रिफाइनरी विच लाइज 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम ताज। तो ताजमहल से 40 किलोमीटर की दूरी पे जो मथुरा ऑयल रिफाइनरी थी, वहाँ से जो फ्यूम्स निकले उसमें क्या हो गया, SO2NO2 ज़्यादा मात्रा में था, और उसकी वजह से पानी में वो क्या हो गया, वाटर वेपर के साथ कंबाइन होकर एसिड प्रेसिपिटेट हो गया, नीचे आ गया और वो इस ताजमहल पर गिरा, जो शुरुआत में एकदम वाइट कलर का था। तो वो क्या हो गया, उसमें इचिंग आ गए, उसमें गड्ढे आ गए और उसमें कलर उसका पेल येल्लो हो गया। द ऑयल रिफाइनरी इमिट 25-30 टन्स ऑफ SO2 डेली इन स्पाइट ऑफ यूजिंग लो सल्फर फ्यूल्स। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जनरली SO2 जो है वो 25-30 टन रोज का हवा में क्या हो रहा था, वो ऑयल रिफाइनरी से जा रहा था और हवा में मिक्स होके वहाँ पे जो भी बारिश होती थी तो वो पूरी एसिडिक होती थी, और जिसकी वजह से ये आपका ताजमहल जो है, हमारा ताजमहल पूरा ख़राब हो गया। यू गॉट द पॉइंट? आई थिंक एसिड रेन इज क्लियर टू यू। In your textbook, it is given acid rain, rainfall damages plant, animal and building. In detail, we have studied this. Now, identify the acidic and basic radical in each of the given salt. अभी इसको हम पढ़े हैं, NH4 positive आपका क्या है, basic radical है, और Cl negative acidic radical है। यहाँ पे basic radical KNO3 में K है, और NH4 again it is your basic radical. And here it is Cu is your basic radical. जितने यहाँ पे कलर्ड है वो सारे आपके बेसिक रेडिकल्स है। What will be the nature of an aqueous solution of potassium chloride? KCl, इसका नेचर कैसे होगा? ये एसिडिक बेसिक रेडिकल है, K और Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पे इसका नेचर जो होगा ना, वो क्या होगा, KCl का, K कहाँ से आ रहा है इसमें, KCl कैसे फॉर्म होगा, KNO3 प्लस HCl। तो इसका नेचर जो होगा वो होगा एसिडिक। HCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाउ डज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर इफेक्ट लाइफ? तो हमने अब कॉजेस ऑफ एसिड रेन पढ़ा है, दिस आर द, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस होने से क्या हो रहा है, H2CO3 मिनरल एसिड फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से एसिड रेन में आ रहा है और उसका पीएच चेंज हो रहा है, 5.6 हो गया, यहीं पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द रीजन फॉर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। देन सल्फर डाइऑक्साइड, हियर इट इज सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये सारे एसिड में आके क्या करते हैं, एसिड रेन फॉर्म करते हैं, और इसका असर क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, ट्राई टू राइट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन एंड चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। एनी अदर टाइप ऑफ वीडियो इफ यू वॉन्ट यू राइट योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स, योर सजेशंस आर ऑल्सो वेलकम एंड ऑलवेज वेलकम। आपके जितने भी कोई सजेशंस होंगे उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, वॉच द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।